भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में कहा है कि भगवान जीवों के कल्याण हेतु जब अवतार धारण करते हैं तब वे अपने अक्षरधाम चैतन्य मूर्ति पार्षद और अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ ही पधारते हैं। अपने इन वचनों के अनुसार श्रीजी महाराज अपने अक्षरधाम अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी को अपने साथ इस ब्रह्मांड में लाए और मुमुक्षुओं को अक्षर ब्रह्म का आदर्श मूर्तिमान समझाकर ब्रह्म रूप होकर पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति करने का सिद्धांत समझाए। गुणातीतानंद स्वामी के बाद प्रागजी भगत शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज द्वारा ये संत प्रणालिका अखंड रही और अब उसी जीवंत प्रणालिका में श्रीजी महाराज के पांचवे आध्यात्मिक वारिस हैं प्रगट गुरु हरि श्री हरि प्रसाद स्वामी जी, जो ऐसे अपूर्व और अद्भुत गुणातीत संत हैं जिनका नाम न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में गूंज रहा है। गुरु हरि श्री योगी जी महाराज की आज्ञा और संकल्पों को अपना लक्ष्य मानकर प्रगट गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराज ने जाति पांति और धर्म की सीमाओं से परे एक विशुद्ध गुणातीत समाज का सर्जन किया और जगत में संप सुहृद भाव और एकता का आदर्श प्रस्थापित किया है, जो पृथ्वी पर सुहृद भाव युक्त समाज की स्थापना करने और समग्र संसार में भागवत धर्म का पोषण करने हेतु अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे प्रकट गुरु हरि श्री हरि प्रसाद स्वामी जी की अद्वितीय जीवन गाथा सुहृदम सर्वभूतानाम। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना प्रवर्तक शास्त्री जी महाराज संग पधारे आसोज में ब्रह्म स्वरूप योगी महाराज विश्राम ले रहे गुरु हरि वट वृक्ष की छैया तले धन्य बनाने गांव को दूरदर्शी निश्चय करे। स्वामी जी, जब तक अंजेसर से बैलगाड़ी नहीं आती यहां थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आइए बिराजिए। योगी आओ, तुम भी बैठो। हीरा भाई, देखिए शास्त्री जी महाराज और योगी बापा, चलो उनके दर्शन करते हैं। चलो चलो। जय स्वामीनारायण स्वामी जी, जय स्वामीनारायण बापा, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, आप हमारे गांव में पधारिए और आसोज की इस धरती को पावन कीजिए। ठाकुर जी को भोजन करवाइए और आप भी भोजन ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। हाँ हाँ स्वामी जी, हमें कृतार्थ कीजिए। जोगी, देखें तो आसोज की ये रज क्या कह रही है। जी स्वामी जी।
मास्टर, आज तो हमें अंजेसर जाने की जल्दी है, इसलिए आ नहीं सकते। परंतु ये रज ऐसा संकेत कर रही है कि जब इस गांव का पुण्योदय होगा, तब इस गांव को तीर्थ बनाने वाली चेतना के साथ हम पधारेंगे और अखंड रहेंगे। और उसी चेतना के साथ योगी तुम्हारा आसोज में आगमन होगा, एक दिव्य विभूति का जन्म होगा। हाँ, आप सबको भी बधाई हो। देखो तो, परम तेजस्वी बालक है। अरे मुंह तो मीठा करवाइए गोपाल दास जी। अरे अभी करवाता हूँ, ये लीजिए, आप भी लीजिए, लीजिए लड्डू लीजिए, ये लो ज्योतिषी जी भी आ गए। अरे इन्हें मेरे पुत्र का मुंह तो दिखाइए। ओहो, यह तो परम विभूति का आगमन हुआ है। यह बालक तो बड़ा होकर महान संत बनेगा। गोपाल दास जी, कन्या राशि है। कन्या राशि? प्रभु, मेरे पुत्र का नाम प्रभुदास। हाँ, प्रभुदास। पुतिका आगे
प्रभु, ये गीता लेकर क्या कर रहे हो? पिताजी माफ करना, मगर क्या आपको नहीं लगता कि केवल निराकार की ज्ञान वार्ता से अहम का पोषण भी हो सकता है? ये देखिए, गीता में ये भी लिखा है, क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। यानी जिनका मन परमेश्वर की निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। हम देहधारियों के लिए परमेश्वर के साकार स्वरूप की भक्ति का मार्ग ही सुगम रहता है। इसीलिए हमें गीता के ना केवल ज्ञान के बल्कि भक्ति के श्लोकों को भी निशान बनाने चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना अहम का पूर्ण विसर्जन शक्य नहीं है। धन्य धन्य आओ। सुनो, मंदिर में एक सिद्ध संत पधारे हैं, तुम उनकी गोष्ठी सुनने रोज मंदिर जाना, ठीक है? जी पिताजी। मैं 400 सालों से हिमालय में तपस्या कर रहा हूँ, मेरे लाखों शिष्य हैं, मैं अपने शिष्यों को कभी दुखी नहीं होने देता। प्रभु जी पिताजी, इधर आओ। तो क्या तुम रोज यही करते हो? यहां आओ। जब तक तुम मेरी बात मानोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंधे रहो इस खाट से। पर कोई भी जगत का बंधन दिव्य स्वरूप को क्या बांधे, छुड़ा के बंधन प्रभु वापस खेल खेलन को चल दिए। अरे प्रभु आ गया। चलो अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी। अरे प्रभु संभल कर।
लगी। आज तो प्रभु की फरियाद करके ही रहूंगी। अरे काशीबा, काशीबा कहाँ गई? हाँ बोलो बहन। ये देखो तुम्हारे प्रभु ने ये क्या किया। मेरे प्रभु ने क्या किया? मेरे बेटे को कैसे मारा है, खून निकल रहा है। लेकिन मेरा प्रभु तो आज बाहर गया ही नहीं है, देखो ये रहा। प्रभु क्या तुमने इसे मारा था? हाँ माँ, मेरी ही गिल्ली इसे लगी है। प्रभु किसी और का दोष अपने ऊपर मत लो। नहीं पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहन हमें माफ कर देना। ठीक है कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखना। प्रभु इधर आओ, हमें बताओ तुम संतवाणी सुनने क्यों नहीं गए? पिताजी जिनकी वाणी में से मैं और मेरा ऐसे अहम भाव के शब्द गए नहीं हैं, उनकी वाणी सुनने से क्या लाभ? मगर बेटे अगर हम किसी भी संत के दर्शन सेवा भगवत भाव से करते हैं तो उसका फल खुद भगवान हमें देते हैं। ठीक है पिताजी, आपकी बात को मैं जीवन भर याद रखूंगा। इतनी छोटी उम्र में इतने सूक्ष्म अहम की पहचान। प्रभु मुझे नाज है कि तुम मेरे घर आए। लीला समेटी आसूज गांव की, आए प्रभु आनंद, मित्र संबंधी सबको देने सहज आनंद। ध्यान लगाया पढ़ाई में पूरा, कुशाग्र बुद्धि अंतर शूरा, एक जीव की हरने पीड़ा, प्रभु जी ने उठाया बीड़ा। एक जीव की हरने पीड़ा, प्रभु जी ने उठाया बीड़ा। अरे प्रभु ये पटाखे बीमार भैंस की पूंछ पर, ये क्या कर रहे हो? वही जो इसके लिए जरूरी है। अरे पर अरे बाप रे बाप, मर गया मर गया, क्या कर रहे हैं आप? अरे बाप रे बाप। अरे अरे बाप रे, मर गया, ये प्रभु का ही काम है, तेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता। अरे पहले ये तो सोचो, अगर भैंस ना कूदती तो ये मरा हुआ बच्चा उसके पेट से ना निकलता, और वो ना निकलता तो हमारी भैंस भी उसके जहर से मर जाती। हमें तो प्रभु का आभार मानना चाहिए कि वो अगर ये ना करता तो भैंस ना बच पाती। मगर प्रभु तुम्हें कैसे पता चला कि भैंस के पेट में बच्चा मर गया है? प्रभु की पारदर्शी दृष्टि, वेदे आरम पार ये दृष्टि, हर एक आवरण पार ये दृष्टि, कर देती है निहाल ये दृष्टि, हर एक जीव को स्वस्थ संपूर्ण।
पूरन करते करुणाकारी मूरत। जीव और प्राणी मात्र के सूरत, जीव और प्राणी मात्र के सूरत, प्रभु की अलमस्त है मूरत। आज तो मैच में बड़ा मजा आया, लास्ट ओवर में जीत गए। सचमुच बहुत मजा आया। अरे मगर प्रभु, मुझे याद आया, आज तो हमारे घर योगी बापा पधारने वाले हैं। तो तुम मेरी तरफ से बापा को जय स्वामीनारायण कह देना, मैं चलता हूँ। अरे परंतु प्रभु सुनो तो। जय स्वामीनारायण बापा। जय स्वामीनारायण। मधु भाई, हमें आपके मित्र के घर जाना है। बापा, वे लोग तो वैष्णव हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय को नहीं मानते, इसलिए वे आपकी पधरावनी नहीं करना। मधु भाई, आप मणिलाल से कहिए तो सही कि योगी जी महाराज आपके यहां आना चाहते हैं, वे मना नहीं करेंगे। जैसी आज्ञा बापा। मणिलाल, योगी पापा पधारे हैं, तो क्या आप उनकी पधरावनी नहीं करवाओगे? मधु भाई, मैं आपका सत्संगी तो हूं नहीं, इसलिए मुझे ये सब नहीं आता। आप दूसरी बात करिए, परंतु पधरावने की बात मत करिए। मणिलाल, योगी पापा का संकल्प है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं। अगर योगी पापा को पधारना है तो ठीक है, आप उन्हें लेकर पधार सकते हैं। ठीक है मणिलाल, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी तैयारी कर देता हूं। आरती पूजन थाल किए तैयार, आरती पूजन थाल किए तैयार, भक्ति की रीत निभाई, भक्ति की रीत निभाई, योगी को पधराने प्रभु ने, योगी को पधराने प्रभु ने, जैसे जीवन राह सजाई, जैसे जीवन राह सजाई। योगी पधारे किए गोष्ठी, सत्संग काफी देर, योगी पधारे किए गोष्ठी, सत्संग काफी देर, बाट निहारे नीचे खड़े, प्रभु हुए अधेर। आधा घंटा हो गया, अभी तक स्वामी जी नीचे नहीं उतरे, जरा देखूं तो। गुरु, जी
अखंड श्री जीव दे आशीष अनुपम। कीर्ति कांचन, कामिनी के रस और राग रहित ऐसे पवित्र संत के द्वारा मैं इस धरा पर अखंड रहूं, अखंड रहूं, अखंड रहूं। गुरु, आज से 6 साल पहले आपके गुरु ने आपको जो आशीर्वाद दिए थे, वो आशीर्वाद पूरे करने के लिए श्री जी महाराज ने हमें भेजा है। ये बात इन्हें कैसे पता चली? ये बात तो मेरे और महेश्वरानंद जी के बीच हुई थी। देखो गुरु, अब तक हमारे संतों ने जो भी भूल की हो उसकी माफी आप हमें दे देना। इस धरती पर मैंने आज से पहले ऐसे साधु कभी नहीं देखे। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको दिए हुए आशीर्वाद पूर्ण करने मैं आया हूं, मगर ऐसा कहा कि श्री जी महाराज ने मुझे भेजा है। यानी ये सर्वज्ञ तो है ही, परंतु कितने निर्माणी भी हैं, प्रेम से सबर भी हैं। अब इनके चरणों में ये सर झुका देना है। अब इन्हें कभी ना नहीं कहनी है, इनके वचन पर बस मर मिटना है, मर मिटना है, मर मिटना है। अरे आज तो रणजी ट्रॉफी का सिलेक्शन है, देखना प्रभु का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अरे भाई कैप्टन जो ठहरे, हमारे ओपनिंग बैट्समैन भी तो है, परंतु वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। ये लो, ये आ गए। अरे भाई जल्दी करो प्रभु, जल्दी करो। आता हूँ आता हूँ। गुरु कहाँ जा रहे हो? रविवार को तो कॉलेज में छुट्टी होती है, चलो मंदिर चलो। बापा आज तो रणजी ट्रॉफी का सिलेक्शन है इसलिए। परंतु गुरु, हमारा सिलेक्शन तो शास्त्री जी महाराज ने कर लिया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसी आज्ञा स्वामी जी, आप पधारिए, मैं आता हूं। ठीक है ठीक है। जय स्वामी नारायण। प्रभु चलो, देर हो रही है। गुरु वचन पर हुए फना, किए तन मन कुर्बान, एक पल छोड़े बंधन, दूजे पल गुरु में गुलता, दूजे पल गुरु में गुलता। जोगी याद आया, उस दिन आसोच की रज क्या संकेत कर रही थी? जब आसोच गांव का पुण्योदय होगा तब उस गांव को तीर्थ बना दे, ऐसे एक चैतन्य का जन्म होगा जो तुम्हें आसोच ले जाएगा।
हे योगी राज पधारो हे गुरु राय हे मंगलकारी मूर्ति हे करुणाकारी मूर्ति हे मंगलकारी मूर्ति हे करुणाकारी मूर्ति पधारो 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 रे पधारो 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 हे योगीराज पधारो हे गुरुराय पधारो 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 हे योगीराज पधारो गुरुराय पधरावनी करवाई आसोज गांव में शास्त्री जी के कृपा वचन साकार हुए प्रभु दास में अपूर्व इस गुरु भक्ति का संसार करे दर्शन प्रभु ने गुरु भक्ति की दी मिसाल अनुपम। अरे संभल कर धूल उड़ रही है। अरे माफ करना। नहीं गुरु ये धूल नहीं ये तो गुलाल है गुलाल। गुरु भक्ति का उड़े गुलाल गुरु प्रसन्न हो एक हितान। गुरु भक्ति का उड़े गुलाल गुरु प्रसन्न हो एक हितान। धन्य हुए प्रसन्न हुए भक्त हृदय आसोज में आ। पधारो रे पधारो रे पधारो 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 हे योगी राज पधारो हे गुरु राय पधारो 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 हे योगी राज पधारो गुरुराय। इस प्रभु दास को हम अक्षरधाम से हमारे साथ लेकर आए हैं। ये हमारे हैं और हमें इन्हें साधु बनाना है। राजी करने प्रभु दास गोंडल आए। अक्षर मंदिर की सेवा में तन मन अपने बिसराए। अक्षर मंदिर की सेवा में तन मन अपने बिसराए। गुरु भक्ति का उड़े गुलाल गुरु प्रसन्न हो एक हितान। गुरु भक्ति का उड़े गुलाल गुरु प्रसन्न हो एक हितान। पधारो रे पधारो रे पधारो 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 हे योगी राज पधारो हे गुरु राय पधारो हे योगी राज पधारो गुरु राय। आप स्कूल कॉलेज में तिलक करके जाते हो? जी बाबा। हाँ तिलक करके जाना सभा में भी नियमित जाना। अभी तुम मंदिर में आए हो तो वचनामृत प्रथम 16 मध्य 41 प्रथम 67 मुख पाठ देना। भगवान के प्रकट स्वरूप और उनके भक्तों को सदा ही दिव्य मानना और किसी का अभाव अवगुण तो कभी मत लेना। आ गए गुरु। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण बाबा। आज से तुम हमारे सेक्रेटरी हुए। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। बाबा आराम से लाइए मैं कमर दबा देता हूं। हाश आ हा। गुरु भजन करते करते जो सेवा करते हैं वो सेवा शास्त्री जी महाराज को पहुंचती है। जी स्वामी जी। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण
स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, नारायण, नारायण। गुरु चलो अब बाकी के पत्रों के जवाब लिख देते हैं। जी स्वामी जी। गुरु लिखो, स्वामी श्री जी, तीर्थ स्थान गोंडल से सेवक साधु ज्ञान जीवन दास के, जय स्वामी नारायण। प्रभु भोजन कर ले, रात के 10 बज चुके हैं। नहीं, मुझे पहले स्वामी जी की सेवा पूरी करनी है, आप लोग भोजन कर लीजिए। गुरु आपने सारी सेवाएं पूर्ण की, परंतु मूल सेवा तो बाकी है। युवकों के संग गोष्ठी। जैसी आपकी आज्ञा। बापा कहते हैं कि स्वधर्म युक्त जीवन हो तो हृदय पवित्र हो जाता है, शरीर संपूर्ण बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, आत्मा का प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ हो जाता है, मन और आत्मा एक हो जाते हैं। मन और आत्मा एक होते हैं तो परमात्मा स्वतंत्र रूप से प्रेरणा करते हैं। इसलिए हमें भगवान के भगवत स्वरूप संत राजी रहें ऐसे आहार विहार करने चाहिए। यही है सच्चा स्वधर्म। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बहुत रात हो गई है, अब आप सब सो जाइए। गुरु तुम्हें राजकोट जाना है और 3:30 बजे तक वापस आ जाना है। आप अपने साथ अपने 2 मित्रों को भी ले जाना। जैसी आज्ञा बाबा। हमें राजकोट जाना है और बाबा की आज्ञा के मुताबिक 3:30 बजे तक वापस आना है। चलो चलते। हाँ, चलो चलो। कर गुरु आज्ञा को शिरोधार्य, अल्प वचन को बनाया निशान, अक्षर मंदिर की सेवा में प्रभु करे राजकोट प्रस्थान, अक्षर मंदिर की सेवा में प्रभु करे राजकोट प्रस्थान। के विश्वास भाजन योगी को था उन पर नाज, चले प्रभु गोंडल तत्क्षण कर संपन्न सेवा काज, चले प्रभु गोंडल तत्क्षण कर संपन्न सेवा काज। अब हम चलते हैं। नहीं, आप भोजन किए बिना नहीं जा सकते। आपने तो मंदिर में हमारी खूब सेवा की है, हमें कई बार भोजन करवाया है, इसलिए आज आप हमारे घर पर भोजन कीजिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। ठीक है ठीक है, हम भोजन करके जाएंगे। क्यों प्रभु? भोजन तैयार है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। चलो चलो बैठ जाओ।
सुनीता खाना परोस दो। प्रभुदास आप क्या लोगे? दो रोटी और थोड़ी सब्जी, बस बहुत हो गया। लीजिए ना, थोड़ा लीजिए। थोड़ी मिठाइयाँ आप ये लेंगे? थोड़ा सा अच्छा लगेगा। डाल दो मिर्ची की चटनी तो लीजिए। सब्जी पूरन पोले खाओगे आप? थोड़ा प्लीज। ये रोटी तो आपको कितना पसंद है? थोड़ा लीजिए, फिर हमें काम होगा मिलेगा। थोड़ा सा। क्या स्वादिष्ट भोजन है, वाह! बाबा की आज्ञा के मुताबिक ठीक समय पर पहुंचेंगे या नहीं? अरे प्रभुदास, बहुत जल्दी भोजन कर लिया। बस ऐसे ही। एक घंटा हो गया, 3:30 बजे पहुंच पाएंगे या नहीं? भोजन हो गया तो चले? हाँ चलो चलो। तो अब हम चलते हैं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। फिर कभी आना। हाँ जरूर आएंगे। चलिए हमें आज्ञा दीजिए। जय स्वामीनारायण। लेकिन गोंडल आओ तो जरूर आना। हम तो बापा की सेवा में ज्यादातर व्यस्त रहते हैं, इसलिए समय नहीं मिल पाता। लेकिन गोंडल आओ तो 2-3 दिन के लिए आना, और आज का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। आप जब भी राजकोट आए तब घर पर अवश्य भोजन लीजिएगा। आप हम राजकोट जब भी आएंगे तो आपके घर ही आएंगे। जय स्वामीनारायण। हम बापा के कहे समय पर पहुंच जाएं तो अच्छा है। समय समय पर बापा को राजी कर लें बस। और क्या साधना हम कर सकते हैं? अगर हम बापा के दिए हुए समय पर नहीं पहुंच पाए तो? अरे प्रभुदास जरा धीरे चलो ना, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे एक जरूरी काम है। गुरु जी कैसे राजी हो, कैसा जीवन है गुरु प्रधान, बेनमून दृष्टांत ये उसका, यही निष्काम धर्म करार। बापा जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण गुरु, जय स्वामीनारायण। तुम निष्कामी हो और हजारों को तुम निष्कामी बनाओगे। तुम जो संकल्प करोगे वो ब्रह्मांड में व्यापक होगा। तुमसे विश्व धर्म की स्थापना होगी। तुम 1,000 साधुओं को संभालोगे। बापा मैं आपके सभी संतों मुक्तों का सेवक और चरण रज बन कर रहूं, बस आप मुझे इतना ही बल देना। जय स्वामीनारायण। बापा आप किस लिए हंसे? बापा क्या आप मुझे बताएंगे? बापा कहिए ना, आपके हास्य का रहस्य क्या है? गुरु चलो पत्र लिखो। जी बापा, सुबह से शाम हो गई, अब तो बताइए आप क्यों हंस रहे थे? कल सुबह पूजा में आना, तब बताऊंगा। जी बापा।
गुरु हृदय का मर्म गहन, गुरु ज्ञान गहरायत, योगी की हर सांस को समझे, प्रभु दास को लगी लगन, प्रभु दास को लगी लगन। जय स्वामीनारायण बापा। आ गए गुरु, लगता है पूरी रात सोए नहीं हो। बापा बापा मैं गुरु, मैं इसलिए हंस रहा था कि मेरे प्रिय सुहृद भाव का परिवर्तन आपके द्वारा होने वाला है, इसीलिए आपको देखकर मुझे आनंद होता है। अंतिम सोपान है निर्दोषमती का, लेनी है परीक्षा योगी जी ने ठाना, जितनी है प्रभुता उतनी ही माया, करते प्रबल बुनते ताना बाना, बुनते ताना बाना, बुनते ताना बाना। सूरज भाव है सहज सरल, पर अंतिम तप कहलाए, मुक्तों के गुण दोष तमाम रहे हृदय में समाए। प्रभु दास को कुछ मुक्तों ने मार मारी काती लाना, निर्दोष भाव से हर प्रहार को गुरु प्रसाद ही माना। सय विशेषा का मन में समाए रहे प्रभुदास, भक्तों की हर क्रिया को माने योगी की लीला प्रभुदास, योगी की लीला प्रभुदास, योगी की लीला प्रभुदास। प्रभुदास क्या हुआ? कुछ नहीं, घाट की सीढ़ियों पर से जरा पैर फिसल गया और सीढ़ी पेट पर लग गई है। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, मैं चला जाऊंगा। प्रभुदा, मुझे स्नान नहीं कराओगे? हां बापा, चलिए।
गुरु, कटकट, जल्दी कीजिए। जी बापा। प्रभुदा, इधर आइए। गुरु, आपको कुछ हुआ है? नहीं बापा, कुछ नहीं हुआ। आओ गुरु, इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्या हुआ? आपको किसी ने मारा है? सच कहो, आपको मेरे गले की सौगंध, सौगंध है गुरु की। इतना कुछ हुआ, फिर भी आपने किसी का भी अभाव नहीं लिया, भक्तों को सदा निर्दोष ही जाना। अब आपको भक्तों में अखंड निर्दोष बुद्धि रहेगी और आप ऐसी निर्दोष बुद्धि कई लोगों को सिद्ध कराओगे। जाओ गुरु, जाओ। आज से आपके द्वारा शास्त्री जी महाराज अखंड कार्य करते रहेंगे। जय स्वामीनारायण बापा। जय स्वामीनारायण बापा। ये और बापा, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं बाहर बैठा हूं। बापा अंदर हैं? तो भाले लगने जैसा दर्द हो रहा है। किया महसूस दिल से अपने दर्द गुरु मन भाव का, गुरु नैन से गिरते आंसू से संकल्प लिया सुहृद भाव का। जब अंगत समाज भी सत्पुरुष की आत्मीयता
और सुहृद भाव के मर्म को समझ नहीं सकता, तब सत्पुरुष को ऐसा ही दर्द होता है। एक दूसरे की महिमा का खंडन उनसे देखा नहीं जाता और वे उदास होते हैं। प्रभुदास ने गुरु की इस उदासीन मूर्ति को अपनी आत्मा की जागृतता के लिए ध्याननीय मूर्ति बनाई और तब उनके हृदय से संकल्प उठा कि इस खानदान मावतर को शांति मिले, इसके लिए भी उनकी आत्मीयता और सुहृद भाव के मिशन को जीवंत रखना है और साकार करना है। दिन आयो मंगल दिन आयो दसों दिशाओं ने उत्सव मनायो कृपा दिन आयो मंगल दिन आयो। ये लीजिए आपका पत्र। बा क्या हुआ? बा शरद पूर्णिमा के दिन बापा ने हमारी दीक्षा तय कर दी है। प्रभु ब्राह्मण ने आंसू सूद दूज के शाम के 5:30 बजे विदाई का मुहूर्त निकाला है। बा दिव्य माहौल है छाया आसोज में चहुओ जन समुदाय उमड़ा है प्रभु के घर की ओर। प्रभु दीक्षा लेने चले हैं कुंडल अक्षर धाम पूजन अर्चन करने आए गांववासी तमाम। दास तुम क्यों रो रहे हो? प्रभु स्वामी अब मैं आपसे कभी मिल पाऊंगा या नहीं? दास तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आकर रहूंगा। काशीबा पहले आप प्रभु को हार पहनाइए और पूजन कीजिए। हाँ हाँ माँ। तुम्हारा ये हार मैं शोभा यात्रा के समय पहनूंगा, अभी इसे रख दो। ठीक है बेटा। कितनी मिन्नतों से पाया तुझे, कितने नाजों से पाला तुझे, अनंत के कल्याण हेतु किया गुरु चरण में प्रदान तुझे। प्रभु मुझे तुमसे 3 वचन चाहिए। बोलो माँ। साधु होने के बाद कभी इस घर में प्रवेश मत करना। जी माँ मंजूर है। दूसरा वचन? मेरे अंत समय में मेरे हाथ की बनी हुई रसोई ग्रहण करना। प्रभु मंजूर है माँ। तीसरा वचन? मेरे अंत समय में तुम मुझे लेने आना और तब तुम केवल मुझे नहीं सर्वजनों को अपने दर्शन देना। मैं नहीं बापा आएंगे। बापा भी आएंगे, शास्त्री जी महाराज भी आएंगे, परंतु
तुम आओगे या नहीं? ठीक है माँ, मैं भी आऊंगा। मुझे आपके तीनों वचन मंजूर है। चले दीक्षा लेने प्रभु दास, साध उठा अनंत का आज। चले दीक्षा लेने प्रभु दास, साध उठा अनंत का आज। प्रसादी लेने भीड़ उमड़ी भारी, बोल नहीं है इसका कोई, प्रसाद ये पावन कारी। अगणित लीला की स्मृति में डूब गया सोच, बिरहा की बेला बड़ी कठोर, विदा लेते प्रभु कर जोर। अलविदा ऐ स्वजन, ऐ सखा ऐ रजकण, अनंत के पथ पर हम तो चले योगी के संग, हम तो चले योगी के संग, हम तो चले योगी के संग। चले दीक्षा लेने प्रभु दास, किया खुद को योगी के नाम। चले दीक्षा लेने प्रभु दास, किया खुद को योगी के नाम। चले दीक्षा लेने प्रभु दास, आ पहुँचे हैं गोंडल धाम, आ पहुँचे हैं गोंडल धाम। गुरु चरण में हुए समर्पित प्रभु दास संपूर्ण, नख शिकली गुरु शरण करवाया मुंडन। नख शिखली गुरु शरण करवाया मुंडन। प्रभु दास ने तो डंका बजा दिया, समग्र ब्रह्मांड का त्याग करके साधु हुए। जो काम अवतारों से ना हो सका वो प्रभु दास ने किया। उमंग आज योगी जी के मन है अद्वितीय, आज योगी दर्शन। अति उमंग आज योगी जी के मन है अद्वितीय, आज योगी दर्शन। कैसी ये दीक्षा, न भूतो न भविष्यति, भव्यता दिव्यता नेति नेति। कैसी ये दीक्षा, न भूतो न भविष्यति, भव्यता दिव्यता नेति नेति। रसोई वाले को बुलाओ। जी पापा। अरे रसोई वाले देखो, रसोई सर्वोपरि होनी चाहिए, इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और बैंड बाजे वाले को बुलाया है या नहीं? बुलाया है पापा। तो फिर उन्हें इधर भेजो और बोलो कि बैंड बजाएं। हाँ पापा। आ गए गुरु। चलो जी
ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हवि ब्रह्मार्णो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दीक्षा चाक्षर से प्रभु दास भगत साधु हरि प्रसाद दास हुए। સાંભળો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર બ્રહ્મનો અવતાર, સાંભળજો બધા, તે 25 વર્ષ ઘરે રહ્યા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, પછી ડભાણમાં મહારાજે મોટો યજ્ઞ કરીને 1000 બ્રાહ્મણો જમાડીને દીક્ષા આપી હતી, તેવી દીક્ષા આજે અમે પ્રભુદાસ ભાઈને આપી, બેન્ડ વાજા વગાડ્યાને સાધુ બનાવ્યા, લો તેવી સત્સંગની આ શુભ વાત। હવે પ્રભુદાસ ભાઈ પાસે એવી આશા રાખીએ કે તેઓ આંખો હોલ સત્સંગ ઉપાડી લે, તથા કેટલાય યુકો નવા સાધુ કરે એ બીજા આશીર્વાદ છે। અમારા પ્રભુદાસ ભાઈ સાધુ થયા, તે હવે 1000 એકાંતિક કરશે, એ અમારા દેરીના આશીર્વાદ છે। તે સુખી થાય ને બીજાને એવા સુખી કરશે, અને કેટલાય અક્ષરધામમાં રહેતા થશે, એ અમારા અંતરના આશીર્વાદ છે। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। चलो गुरु, अक्षर देरी के दर्शन कराते हैं। लो गुरु, अक्षर देरी का आशीर्वाद। अब हरि प्रसाद स्वामी को माया कभी पराभव नहीं कर सकेगी। कीजिए धूम। स्वामीनारायण 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 सहजानंद स्वामी महाराज ने।
हे बापा, अब इस देह पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। सूखी रोटी और छाछ का भोजन करके भी आपको राजी करना है। आपके बल से, आपकी इच्छा से और आपकी रीति से हमें चलना है। ये देह आपके और आपके भक्तों की सेवा में काम आ जाए। आपके अलावा हमें कोई व्यक्ति या पदार्थ प्यारे ना रहे, ऐसा हमें बल दें। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा क्या हुआ? आपने 2 दिन पहले इतनी धूमधाम से जो दीक्षा प्रभुदास को दी है, वैसी दीक्षा और किसी को नहीं दी है। तो बापा, ऐसी भव्य दीक्षा देने का तात्पर्य क्या है? अरे, वो तो मेरा हीरा है, हीरा। आपको तो सब हीरे ही लगते हैं ना? क्या आपने कभी किसी को पत्थर कहा है? अब इस हीरे की परीक्षा भी करनी पड़ेगी। इनकी परीक्षा मैं स्वयं लूंगा, तुम कुछ मत करना। बापा, गजड़ा के कोठारी संत का पत्र आया है। मैंने हरि प्रसाद स्वामी को ऐसे ही हीरा नहीं कहा था। लो पढ़ो ये पत्र, ये रहा तुम्हारा जवाब। स्वामी श्री जी, गजड़ा के कोठारी संत के जय स्वामी नारायण। बापा, आपने जिन संतों को विचरण के लिए गढ़ड़ा भेजे हैं, उनमें से हरिप्रसाद स्वामी तो अद्वितीय साधु है। एक व्यक्ति को स्वामी जी से बहुत ईर्ष्या और द्वेष भाव थे, इसलिए एक पागल को 50 रुपये की लालच देकर कहा कि जैसे ही हरिप्रसाद स्वामी नहाकर ऊपर आए। स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। मैं नहा कर आता हूं। स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। मैं जरा ना कराता हूं। स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामी, स्वामीनारायण, 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 स्वामी, स्वामीनारायण, 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 स्वामी, स्वामीनारायण, 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 स्वामी। चलो मैं फिर से ना कराता हूं। स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामी। स्वामी जी, आप उसे रोकिए, नहीं तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, योगी जी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बापा, क्या ऐसी परीक्षा लेते हैं? हमारे लिए तो सर्व कर्ता हर्ता एक ही है, योगी जी महाराज। हमें भले 1000 बार नहाना पड़े, हम तो नहाएंगे।
साधुता की कसौटी करे आज योगी रात, निश्चल मन से स्नान करे स्वामी हरि बार बार। माया थकी अब और नहीं, कसौटी ये मेरी हुई। उभरे अश्रु हुआ पछतावा, गिरा चरण में क्षमा करो प्रभु। मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया, भोजन दिया अनुपम सुहृद भाव, कोठारी जी ने योगी जी को दर्शन लिखा यह खास, कोठारी जी ने योगी जी को दर्शन लिखा यह खास। बापा बापा, ये तो सचमुच आपका हीरा है, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करे बापा। चंदा राणा, वो पोस्ट कार्ड देना, मैं हरि प्रसाद स्वामी को पत्र लिखना चाहता हूं, आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हरि प्रसाद स्वामी ने पत्र, तमने महंत नी गादी आपी, तमे कादि पात्र छो माटे, एवा परम भगवती परम एकांतिक हरि प्रसाद स्वामी अने नवा चार संतो, हे हरि प्रसाद स्वामी, आपे मारी सेवा अनुवर्ती पाड़ीने खूब राजी करिया छे, ते वारे वारे तमोने याद करू छू। तमारी टपाल, तमारी राख रखावट जोईने आखा देश मां सामरे छे, टपाल खातों, सर भरा खातों, मोटर मां वेसरवां ते वही वट खातों, बातों करवा खातों, युवकों ने दोरवणी आपी ने ज्ञान देवा खातों, निर्दोष बुद्धि खातू, आनंद में जीवन खातू, विगेरे घनाज खाता आपे संभाड़िया हता, ते याद करू छू। वड़ी सेवा आपे ते साचवी ने गोंडल भोकलवा खातू वगैरे आपे सेवा करी छे, ते वखाण करवा वास्ते नथी पण स्मृति माटे छे, माटे आप राजी रहजो, बधाने बोलावीने वात करशो, बधाने बळ मळशे। लिखितन साधु ज्ञान जीवन दास ना, जय स्वामी नारायण। कल से हम सब अलग हो रहे हैं, अब मेरा दफ्तर कौन संभालेगा? बापा, मैं संभालूंगा। नहीं गुरु, आपको तो हमें बड़े आचार्य बनाना है, इसीलिए आपको मुंबई दादर मंदिर में जाकर संस्कृत का अभ्यास करना है। आप सब सुनिए, समागम छोड़ना नहीं,
प्रार्थना करना और अपनी सारी बात हरि प्रसाद स्वामी को कहना। जैसे आ गया बापा। जय स्वामी नारायण। गुरु है अंतिम मिलन की ये बेला, योगी ने दिया इशारा, इस ब्रह्मांड में हम दोनों यूं मिल न सकेंगे दोबारा, यूं मिल न सकेंगे। हरि प्रसाद स्वामी, अब धरती पर सुहृद धर्म और भागवत धर्म का पोषण व परिवर्तन आपके द्वारा होगा। सुहृद भाव है संसार का, मार्ग यही है अंतिम अक्षर द्वार का। सुहृद भाव है योगी के मन का अभिप्राय, स्वामी हरि ने श्वास में जिसको अब ये सोखड़ा ही हमारी तपोभूमि है। शायद पापा हमें दूर से अपना सेवन करना सिखाना चाहते हैं। हरि बिरहा में योगी से रही नदी, योगी मिलन को गुरु हरि जी हुए आदि। हरि प्रसाद, हरि प्रसाद, हरि प्रसाद, हरि प्रसाद। बापा, बापा, आप और गुरु हरि ऐसा हुआ मिलन, एक प्राण हो गए हैं जैसे दोनों तन, एक प्राण हो गए हैं जैसे दोनों तन। अरे ये सब तो गुरुद्रोही हैं। हाँ, निकालो, हाँ, निकालो बाहर, निकालो, निकालो बाहर, इनको बाहर निकालो, ये लोग मंदिर में नहीं जा सकते, इनको हाँ, बाहर निकालो, ये वचन द्रोही है, इन्हें यहाँ मत रहने दो। ये लोग मंदिर में नहीं जा सकते, निकालो बाहर, निकालो, निकालो बाहर, निकालो, निकालो बाहर, निकालो, 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 निकालो बाहर, निकालो, निकालो तुमको बाहर। प्रभु स्वामी, इस गाँव में रहने से तो अच्छा है कि मैं आपको अपनी जमीन दे देता हूँ, वहां आप अपना मंदिर बनाकर रहो, और अगर आप कहो तो आपकी सोने की मूरत भी बिठाऊं। मोती बापा, सोने की मूरत जवाब नहीं देगी, जीवंत मूर्ति जवाब देगी। मैं तो बापा की मर्जी के मुताबिक सोखड़ा में ही रहूंगा। तो ये भगवे कपड़े उतार कराओ। आप हमारे शरीर से चमड़ी खींच सकते हैं, मगर जोगी के कपड़े नहीं। ये चुनरी देख रहे हो तुम,
ये चुनरी हमें योगी जी महाराज ने ओढ़ाई है, वो अब इस शरीर के साथ ही जाएगी। योगी जी महाराज जैसे संत कहा, हमें विश्वास है कि बाबा हमारे साथ हैं। कौन जन्मा है ऐसा जो संतों को बाहर निकाल रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। शांत हो जाओ मगन भाई, शाम होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुना आप सब लोगों ने, अब जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। जाते हो आप? याद करो स्वामी जी, 1961 में जब 51 संतों को बापा ने दीक्षा दी थी, उस शाम को जब गढ़ड़ा के नए मंदिर के बाहर घेला नदी के तट पर एक हरि भक्त ने संकल्प किया था कि बापा ऐसा संकल्प कीजिए कि 3 शिखर का भव्य मंदिर सोखड़ा में बने। हाँ हाँ चलो करो धुन। स्वामी नारायण 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 स्वामी महाराज की जय। गुरु इधर आइए, लीजिए आशीर्वाद। जाओ, सोखड़ा में सर्वोपरि मंदिर होगा और महाराज और संत भी राजेंगे। मगन भाई, बापा का संकल्प है, इसलिए अब चाहे जो कुछ भी हो जाए हम तो सोखड़ा में ही रहेंगे। स्वामी जी, एक विनती करूं आपसे? बोलो मगन भाई। स्वामी जी, जब से शास्त्री जी महाराज धाम में पधारे हैं तब से हमारे पिताजी का मन सत्संग में नहीं लग रहा है, तो हमारे पिताजी भी सत्संग करें, ऐसा कुछ कीजिए। चलिए हम आपके पिताजी से मिलने चलते हैं। चले स्वामी हरि प्रसाद भक्त की श्रद्धा जी। जय स्वामी नारायण। आइए स्वामी जी आइए। जय स्वामी नारायण। कहिए कैसे आना हुआ? दाजी आपको याद है जब शास्त्री जी महाराज ने बीमारी ग्रहण की थी तब आप उनसे मिलने अहमदाबाद गए थे, तब आपने उनसे कहा था कि जब आप इस धरती पर से धाम सिधारोगे तब हमारा कौन होगा? तब शास्त्री जी महाराज ने कहा था कि दाजी। हाँ कहा था। मैं कहाँ जाने वाला हूं, मैं तो सोखड़ा में ही अखंड रहने वाला हूं। परंतु स्वामी जी, आपको ये बात कैसे ज्ञात हुई? ये तो मेरे और शास्त्री जी महाराज के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं समझ गया, मैं पहचान गया स्वामी जी, आपको पहचान गया। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। सोखड़ा में मंदिर बने संकल्प किया योगी जी ने, सोखड़ा में अखंड रहूंगा संकल्प लिया शास्त्री जी। स्वामी जी आप हमारे गांव विचरण में पधारें, हमने आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी कर दी है, ये लीजिए चाबी। नहीं नहीं, जब तक योगी जी महाराज धरती पर हैं तब तक मुझे अपने लिए एक बैल तक रखने का अधिकार नहीं है और ना ही विचरण का। अगर बापा 100 साल तक धरती पर रहेंगे तो मैं 100 साल तक केवल उनकी स्मृति और भजन ही करता रहूं।
सुनो, जाओ, कोई वंथली वाले जमन भाई को बुला कर लाओ। हमें उनसे एक खानगी काम है। जो आज्ञा बापा। जय स्वामी नारायण बापा। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मुझे इनसे एकांत में बात करनी है। आओ आओ वंथली के राजा, आओ। अब आपको मुझे अंतिम रसोई देनी है, फिर तो हम गुजरात चले जाएंगे। स्वामी जी, स्वामी जी, बापा। प्रलय हुआ, परिकंप हुआ, योगी से धारे स्वधाम। पूर्ण रूप से धारण कर सकें ऐसा बल देना, ऐसे आप हमारी सांसों में बस जाना। आपकी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था को हम अपना प्राण माने, आपकी मर्जी हमारा जीवन बने, आपका धरती पर का कार्य सुहृद भाव जीवंत रहे, यही प्रार्थना। भगत जी, सोम भाई, इधर आइए।
आइए। आप कुछ भी करके 600 रुपए इकट्ठे करके 5 बजे से पहले मैं जो पता दे रहा हूं उस पते पर जाकर दे आइए। अपने एक भक्त को जरूरत है, और सिर्फ इतना कहना कि योगी जी महाराज धरती पर से गए नहीं हैं। अगर बापा चले जाते तो धरती रसातल जाती। जैसी आज्ञा स्वामी। जय स्वामी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। ये लीजिए आपके 600 रुपये। 600 रुपये किसने भेजे हैं? बस इतना ही कहा है कि योगी जी महाराज धरती पर से गए नहीं, अगर गए होते तो धरती रसातल जाता। आप लोगों को पता है मैं अपनी बीमारी और अपनी व्यथा से इतना तंग आ गया था कि आज तो मैंने योगी जी महाराज से प्रार्थना की थी कि अगर अगर आप धरती पर श्री जी महाराज के वरदान के अनुसार प्रकट हैं तो कल शाम 5 बजे तक मुझे कोई मदद मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप धरती पर से चले गए हैं। और आप देख रहे हैं ये क्या है? क्या है? ये जहर है। यदि आप लोग 5 बजे तक नहीं आते तो मैं इसे ग्रहण करके अपना शरीर त्याग देता। इसलिए अब आप मुझे बताने की कृपा करें कि आपको किसने भेजा। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन का तारणहार कौन है। कौन है? हमारे गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी ने हमें भेजा। गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी। अच्छा तो अब हम चलते हैं। जय स्वामीनारायण। मेरे योगी जी महाराज गए नहीं है, गए नहीं है मेरे योगी जी महाराज। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। श्री हरि का कल्याण कार्य चलता रहा धरती पर, सदा सनाथ रहे भक्त मेरे, श्री हरि का यह बल। निरंजन अलख निरंजन, सबके दुखों को दूर करूं, सबकी पीड़ा हरूं, अलख निरंजन। अरे ये तो काली कमले वाले बाबा है। अरे यो बच्चे गुजरात से आए हो ना, मुझे सब पता है। तेरा नाम घनश्याम है और तू किसके साथ आया है वो भी मुझे पता है। बाबा मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बच्चे पूछ, जो पूछना चाहता है वो पूछ। बाबा भगवान साकार हैं
या निराकार? साकार हो या निराकार, भगवान तो भगवान होते हैं, सब में होते हैं। ये देख अलोक निरंजन, ये देख बच्चा, ये देख। अरे ये क्या बाबा, आपने तो पत्थर को कीड़ा बना दिया। अरे ये देख आओ। अरे कीड़े को फिर से पत्थर बना दिया। ऐसा चमत्कार तो हमारे स्वामी जी ने भी कभी नहीं दिखाया। अब सुन बच्चा, मैंने तो सिर्फ पंच महाभूतों पर विजय पाई है, मगर तू जिनके साथ आया है वे तो अष्ट आवरण से भी परे हैं, मन बुद्धि और अहम से भी परे हैं। बाबा आप हमारे गुरुजी से मिलना चाहेंगे? अवश्य बच्चा अवश्य, मैं उनके दर्शन करना अवश्य चाहूंगा। तो चलिए बाबा। अलोक निरंजन, चल बच्चा। अरे बाबा आप पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। संत मिले गुरु हरि से तो दंडवत किए प्रणाम, करे नमन जो अल्प को वो निर्मानी महान। देखा बच्चा अलोक निरंजन। हाँ बाबा, हमारे गुरुजी अपने से छोटों को भी विनम्रता से प्रणाम करते हैं, जो पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त किए हुए संत नहीं कर सकते। सचमुच हमारे स्वामी जी अष्ट आवरण से परे हैं। संत गुणातीत विचर रहे कल्याणकारी रा, अंतर चक्षु खोल जगाए जा। संत गुणातीत विचर रहे कल्याणकारी रा। जलती रही गुरु हरि की जग में दिवस और रैन, जलती रही गुरु हरि की धुनी जग में दिवस और रैन। न परवाह किए तन की, न सोचे सुख और चैन, पंडरपुर में सेवक सखा हुए थकान से चूर, बन दास के चल रहे कल्याणकारी रा। स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं? घनश्याम तुम आराम करो, तुमने आज दिन भर बहुत सेवा की है। नहीं नहीं स्वामी जी नहीं, आप तो हमारी सेवा निरंतर करते रहते हैं, आप आराम कीजिए तभी मैं आराम करूंगा। नहीं घनश्याम, तुम आराम करो और मुझे अपना कार्य करने दो। नहीं दयालु, जब तक आप आराम करने नहीं जाएंगे तब तक मैं भी आराम नहीं करूंगा। मेरी आपसे विनती है कि आप आराम कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। ठीक है घनश्याम, जैसी तुम्हारी इच्छा। संत गुणातीत विचर रहे
करे, यही गुणाति तेरे भक्तों के आधीन जिए, संत की सच्ची प्रीत निष्काम धर्म निर्माण धर्म श्री जी के संदेश जीवन स्वामी क्या कर रहे हो? सुनो, यहां आओ, आओ। देखो, यदि तुम दोनों कौम के नेता आत्मीय हो जाओ तो दोनों कौम में जो खून खराबा हो रहा है, जिसमें निर्दोष लोगों को उसका भोग बनना पड़ता है, वो बंद हो जाएगा। हमारी संस्कृति की रक्षा होगी और शांति के साम्राज्य की स्थापना होगी। चलो आओ, आज से हम लोग एक होकर जिएंगे। आज हम सब एक साथ भोजन लेंगे। आओ। जय श्री स्वामी जी की इच्छा। हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय। हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय। आओ बैठो। स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे लोगों के साथ क्यों संबंध बढ़ाते हो जो समाज का नुकसान करते हैं? मेरा स्वभाव है कांटों में हाथ डालना। मगर स्वामी जी, कांटों में हाथ डालने से घाव लगता है। मगर कांटों की धार उतनी ही घिस तो जाती है ना, ताकि दूसरों को कम लगे। ऐसे लोगों के साथ मैं आत्मीय बनूंगा तो समाज में उतनी शांति तो बढ़ेगी। योगी बाबा का संकल्प था कि शिखरबद्ध मंदिर सोखड़ा में। अदा भाई, देख लो इस जगह को। इस जमीन पर शास्त्री जी महाराज और बाबा के संकल्प अनुसार भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, धाम धामी और मुक्त श्री राधा कृष्ण के साथ साथ सर्वोपरि अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के आद्य स्थापक शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज यहां एक साथ विराजमान होंगे।
रखे कायनाथ, याद रखे कायनाथ। अरे वातावरण में इतना बदलाव कैसे? अरे वो देखो उस तरफ। कहाँ कहाँ? अरे उधर उधर देखो। अरे सुगंध तो देखो, चंदन की सुगंध आ रही है। ओहो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आगमन हुआ है। ये देखो संतों, साधकों, जितना बड़ा मंदिर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होगी, मगर वे सभी क्रियायोग करते हुए भी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मंदिर हमारी आत्मा का संबंध प्रभु के साथ बढ़ाने के लिए ही है। इसलिए व्यवहार में उलझकर हमें प्रभु को भूल जाने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले हमें हमारे हृदय को मंदिर बनाकर उन चैतन्य मंदिरों में प्रभु की मूरत की स्थापना करनी है।
अरे सुनो, आरती का समय हो गया है, प्रवीणा को आरती करने बुलाओ। हाँ जी। प्रवीणा बहन, ओ प्रवीणा बहन, आपके बड़े भैया और गिरीश भैया आपको आरती के लिए बुला रहे हैं। मुझे आरती के लिए? मुझे स्वामी नारायण भगवान में तो निष्ठा है नहीं, परंतु भैया भाभी को तो नाराज नहीं कर सकते। भाभी आ रही हूँ। ये लीजिए प्रवीणा बहन, आरती कीजिए। मैं? जैसी आपकी इच्छा। प्रवीणा बहन, क्या हुआ? आरती तो खत्म हो गई। प्रवीणा, प्रवीणा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? भैया, भाभी, मुझे, मुझे स्वामी जी के दिव्य दर्शन हुए। इस धरती पर स्वामी जी द्वारा श्री जी महाराज प्रकट हैं। अब जो भी हो जाए, मुझे इस संसार के दलदल में नहीं फंसना है। अब तो साधु हो जाना है। भैया, भाभी, मुझे स्वामी श्री के आश्रय में दीक्षा लेनी है। मैं गुजरात जाना चाहती हूँ। ठीक है प्रवीणा, जैसी तुम मर्जी। जय स्वामी नारायण। केवल दिव्य दर्शन से ही करवाया निश्चय, स्थूलाधार अवश्य नहीं, दिव्यता जहां अक्षय। स्वामी श्री जी, प्रत्यक्ष प्रभु जी, हे स्वामी जी, आप धरती पर प्रगट गुणातीत संत हैं, आपके द्वारा प्रभु प्रगट हैं, तो अब मुझे इस संसार के दलदल में फंसना ही नहीं है, केवल प्रभु की भक्ति करनी है, तो आप मुझे राह दिखाइए। सतु भाई, बापा सब ठीक कर देंगे। जी
पापा जी को योगी ने किए निमित्त, काका जी पापा जी को योगी ने किए निमित्त, बहने भी भगवान भजे करुणामय आशीष, बहने भी भगवान भजे करुणामय आशीष। सन 1965 में बनी गुणातीत ज्योत, त्यागाश्रमी बहनों ने जलाई भक्ति ज्योत, श्री जी ने ये वचन कहे नारी भजे भगवान, स्वधर्म से नारी द्वारा हुए साकार वचन, दीक्षा लेकर बहनों से आई बहने हरिधाम, गुरु की दिव्य निश्रा में पाती है ब्रह्म ज्ञान। इतनी सारी तपस्या की, इसके बावजूद भी मुझे भगवान नहीं मिले, मुझे भगवान नहीं मिले, मुझे भगवान नहीं मिले। दिनेश सिंह, मिल गए मुझे प्रभु, मिल गए मिल गए मिल गए मुझे प्रभु, मिल गए मुझे प्रभु, मिल गए मुझे प्रभु, मिल गए मुझे प्रभु, मिल गए मिल गए मिल। अरे दिनेश सिंह, तुम्हें इतना आनंद क्यों हो रहा है? कुछ नहीं सतु भाई, कुछ नहीं। दिनेश सिंह, सिर्फ आनंद करना ही नहीं, आनंद समाना भी सीखना चाहिए। जी जी जय आबा। अरे मगर बताओ तो सही, ऐसा क्या हो रहा है तुम्हें? अरे सतु भाई,
आपसे अकेले में कहूंगा, आप इधर आइए। सतु भाई, स्वामी जी मुझे एक अनुभव करवा रहे हैं। कैसा अनुभव? इस हृदय में एक आकाश है जिसे चिदाकाश कहते हैं, उसमें ये सारा आकाश समा जाता है। उस चिदाकाश में मुझे ये सारा ब्रह्मांड दिख रहा है और इस ब्रह्मांड का छोटे से छोटा अणु भी स्वामी जी की मूर्ति से भरा हुआ है। अणु के अंदर मूर्ति, ये तुम कैसे देख सकते हो? सतु भाई, वो मूर्ति इस आंख से नहीं दिख सकती, वो तो स्वामी जी की दी हुई आंखों से ही देखी जा सकती है। अच्छा, परंतु वो मूर्ति तुम्हें कैसी दिखती है? स्वामी जी के कर, चरण और पाग सहित नख शिख मूर्ति साकार दिख रही है। वंडर ऑफ द वंडर्स, इसे ही कहते हैं, प्रभु के प्रकट स्वरूप का निर्गुण ऐश्वर्य, उनकी दिव्यता सूक्ष्माति सूक्ष्म कण में भी व्यापक है, इसका प्रमाण। दिनेश, अब तुम ऐसा भजन करना कि स्वामी जी ने तुम पर कृपा करके जो अपना विज्ञान करवाया है, उस दर्शन का सुख तुम समा सको और उनका मानव रूप भी उतना ही दिव्य है ऐसा मान सको, ऐसी हमेशा प्रार्थना करना। जी, और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना। लोगों को तहस नहस कर दो, सबको लूट लो। मेरे सामने जो भी आवेगा सीधा ऊपर जावेगा। भाया, यही था वो जिसने पुलिस में रपट लिखवाई थी। जालोट, माँ के जने को मॉडल। गांव वालों, संभल के रहियो, बगावत की सोचियो मत। धान जितना मांगे उतना घर पहुंचा दीजियो, समझे? हे प्रभु, हमें बचाइए। प्रभु हमें बचाइए, हमें इस आतंक से उबार लीजिए प्रभु, हमें हमें उबार लीजिए प्रभु। आपको इसके आतंक से एक ही संत बाहर निकाल सकते हैं और वही ऐसे आदमों का उद्धार कर सकते हैं। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? श्री हरि प्रसाद स्वामी जी, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, वे जरूर हमारी सुनेंगे। चलो चलो, हाँ चलो चलो, हाँ चलो चलो, हाँ चलिए चलिए चलो। भक्तों के दिल से निकली पुकार, हे गुरु हरि हम पर हो सवार। अधम पतित उद्धारो आ, विरुद्ध तुम्हारो भक्त आए गुरु हरि के द्वार। अभय वचन दिया हरि ने आज, किए ठाकुर जी के खान। गोकल का घर पावन आज, गोकल का घर पावन आज। से
लुटेरे को कर दिया भक्त, पल में परिवर्तन करते ब्रह्म स्वरूप ये संत, ब्रह्म स्वरूप ये संत। अरे इस गोकुल को क्या हो गया, वो रो क्यों रहा है? स्वामी जी, ये सपना लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने दुख से रो रहा हूं, परंतु आपने आपने मेरे हृदय में जो आनंद करवाया है, ऐसा आनंद मुझे पहले कभी नहीं हुआ। वही आनंद मेरे आंसुओं द्वारा बह रहा है स्वामी जी, आंसुओं द्वारा बह रहा है। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। आओ गोकुल, मेरे पास आओ, अपना हाथ दो, जल दीजिए। हम इन्हें वर्तमान धराना चाहते हैं। स्वामी जी, आप ये पानी देकर क्या कर रहे हैं? हम आपको वर्तमान धरा कर अपने संबंध दृढ़ बना रहे हैं। आज से आपके सारे पाप माफ, ठाकुर जी उनका भार वहन करेंगे। परंतु अब से कोई नया पाप नहीं करना। स्वामी जी, मेरे पाप तो इतने सारे हैं कि आप और आपके ठाकुर जी दोनों 10 गज जमीन के अंदर चले जाओगे। आप कहो, जितने कहोगे उतने पाप माफ। स्वामी जी, कितने कहूं, कैसे कहूं? अरे मैंने 40 खून किए हैं और उसमें से 3 तो आप जहां पर बैठे हो उसी जगह पे मैंने मारा है। मेरे आसपास के गांव वाले मेरे आतंक से त्रस्त हैं। आपके सारे पाप माफ। ये लो चल, और बोलो, काल काल, माया माया, पाप पाप, कर्म कर्म, यमदूत यमदूत, भयात अहम भयात अहम, स्वामी नारायण प्रपन्नोस्मि, स्वामी नारायण प्रपन्नोस्मि। जल को नीचे रखो। अब क्या करना है? आज से दारू मांस चोरी जुगार व्याभिचार नहीं करने। परंतु स्वामी जी, मैं सुनो, अगर तुम्हें 4 महीने तक इन भोगों का संकल्प ही न उठे तो क्या तुम 5वें महीने से वर्तमान पाल सकोगे? गोकुल, इस बीच अगर तुम्हें तुम्हारे मित्र भी इन भोगों के लिए लालच दें तो तुम्हें उनको स्वीकार नहीं करना है। कर सकोगे ऐसा? हाँ स्वामी जी, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। दूसरा सुनो, किसी को मारना नहीं, हर जीव के प्रति दया रखना, और हर पूनम को हरिधाम आना। जी स्वामी जी। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी स्वामी जी, मैंने यूनो में अपनी योगी डिवाइन सोसाइटी की प्रवृत्तियों के बारे में बताया तो सेक्रेटरी आपसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यूनो में हमारी ऑफिस खोलने का प्रॉमिस दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी संस्था के लिए गौरव की बात है। सही कह रहे हो। हाँ स्वामी जी, अगर आप कहें तो हम यूनो में अपना ऑफिस खोल सकते हैं, इससे हमें कई बेनिफिट्स मिलेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, यूनो में ऑफिस, यूनो में YDS की ऑफिस, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। स्वामी जी, स्वामी जी,
डॉक्टर, अभी तक मुझे भारत की धरती पर और गुजरात में बहुत से कार्य करने बाकी हैं। जब तक 51,000 निर्व्यसनी और धार्मिक युवक मैं मेरे गुरु योगी जी महाराज और भारत माँ के चरणों में समर्पित नहीं करूँगा, तब तक साधु हरिप्रसाद को यूनो में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, यूनो में तो चिदानंद मुनि, रमेश भाई ओझा, प्रमुख स्वामी महाराज, स्वाध्याय परिवार वाले, गायत्री परिवार वाले और जैन आचार्यों की ऑफिस होनी चाहिए। स्वामी जी, आप धन्य हैं। आप समाज के साथ साथ आत्मा की सेवा के लिए भी इतने ही जागृत हैं। आत्मलक्षिता से सफल है जीवन ये कल्पनातीत, पराभक्ति के संग संग राष्ट्रभक्ति भी अमित, राष्ट्रभक्ति श्री जी महाराज ने कहा है कि पात्र भी हम गढ़ेंगे और ब्रह्म रस भी हम बहेंगे। धरती का काम चालू ही रहेगा। और कहा कि धरती पर सूर्य और चंद्र प्रकाशित हैं, तब तक मैं इस धरती पर पवित्र संत के द्वारा अखंडित रहूंगा। स्वामी जी, हर युग पुरुष अपना कोई मिशन लेकर इस धरती पर अवतरित होते हैं, तो आप किस मिशन से आए हैं? सेवा करने के लिए। मगर कौन सी सेवा? किस हेतु से आपने अपना जीवन भगवान और भक्तों के चरणों में समर्पित किया है? आपका मिशन क्या है? सुहृदम सर्वभूतानां, ऐसे सुहृद भाव युक्त समाज की स्थापना करना। बापा की मर्जी का सुहृद भाव धरती पर साकार हो, बस इतनी ही भावना है। योगी डिवाइन सोसाइटी का पूरा समाज एक होकर जिए। योगी जी महाराज ने दी हुई सम सुहृद भाव और एकता की भावना से जिए तो दुनिया पर सतयुग की स्थापना हो जाए, क्योंकि एक सुहृद भाव ही सारे संसार को सुखी होने के लिए अनिवार्य साधना है। तो स्वामी जी, पहले हमें सुहृद बनाना। यदि आपको ना बनना हो तो भी महाराज बनाएंगे। युग पुरुष हर युग में करे सतयुग साकार, जिसको मगन भाई की सभा में जाना हो वो जाए, मगर मैं नहीं जाने वाला। रमन भाई,
अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, हम सभी उनकी सभा में नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे उनकी सभा में। हम महोत्सव की तैयारी अपने तरीके से करेंगे, हमें उनके साथ सेवा में नहीं जाना। आप सबकी क्या मर्जी है? हम आपके साथ हैं। अरे भाई, आपको पता है कि प्रबोध स्वामी आए हैं। प्रबोध स्वामी हम सबको अमृत महोत्सव की सेवा के लिए मिलना चाहते हैं। अच्छा, प्रबोध स्वामी आए हैं, तो चलो इन लोगों से पहले हम स्वामी जी से मिलकर आते हैं। हाँ, हाँ, चलते हैं। चलो हम भी चलते हैं। आओ आओ मोहन भाई। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी जी बैठ जाइए। अमृत महोत्सव की सेवाएं शुरू हो गई है, अब आप सब हरि भक्तों को सेवाएं देनी है। दूसरे हरि भक्त कहाँ हैं? स्वामी, आप हमें हमारी सेवा बता दीजिए, उनकी सेवा आप उन्हें बता देना। हम लोग एक साथ सेवा नहीं कर सकते। पर वे लोग हैं कहाँ? उन्हें बुलाओ तो सही। नहीं नहीं नहीं, हम सब एक साथ सभा में नहीं बैठेंगे। ये क्या हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें यहाँ बुलाइए, वरना मुझे आप में से किसी की भी सेवा नहीं चाहिए। चलो, आपको प्रबोध स्वामी अंदर बुला रहे हैं। आइए रमण भाई, सब इधर बैठिए और सुनिए। आत्मीय अमृत महोत्सव आया है और इस वक्त हमें यह सुनना पड़ेगा कि हरि भक्तों में दो ग्रुप पड़ गए और वे लोग सभा में भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ये बात स्वामी जी के दिल को कितना दर्द पहुंचाएगी। हमारे प्राणाधार स्वामी श्री का सूत्र है, कोई आत्मीय बने या ना बने, हे प्रभु मुझे आत्मीय बनाना। तो अब हम आत्मीय कब होंगे? चलो आज हम सब मिलकर स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सवा आप भी आओ। हे महाराज, हे स्वामी, आत्मीय अमृत महोत्सव आया है, हमारे जीवन का ये अंतिम मौका है, उसमें हम सब निमित्त बने, हम सब आत्मीय बने, हम पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे के दास बने, आपका संबंध देखकर गुण गाते रहें, ऐसी हम पर कृपा बरसाना। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। स्वामी आप दुखी मत होइए, हम सब हरि भक्त एक होकर जिएंगे। हाँ, हम सब आत्मीय होकर रहेंगे। स्वामी अब हम कभी अलग नहीं होंगे। सुनो, मैं दुखी नहीं हो रहा हूं, मगर आप सबने अपने माने हुए सत्य, अपने अभिप्राय छोड़कर जो आत्मीय होने का संकल्प किया है, उससे स्वामी जी के हृदय में कितना आनंद हुआ है। उस आनंद की अनुभूति मुझे यहां हो रही है। ये तो मेरे हर्ष के आंसू हैं, हर्ष के। स्वामी जी अब हमारे अंतर्मन एक हुए, आत्मीयता का पुनः उदय हुआ। जय स्वामी नारायण। सस्ता भिंडी ले लो, सस्ता भिंडी। सस्ता भिंडी ले लो, सस्ता भिंडी। हरी मिर्ची, मिर्ची हरी मिर्ची ले लो, हरी मिर्ची। 20 रुपए किलो शिमला मिर्ची। अरे भैया 1 किलो लाल टमाटर देना। अरे भैया 1 किलो टमाटर दो दो। आलू कितने के दिए? 2 रुपए किलो बहन जी। अच्छा तो 2 किलो दे दीजिए। भाजी कितने की? 5 रुपए किलो। इतनी महंगी? नहीं नहीं। अरे ले लीजिए ना। अरे भगत जी कहाँ चले? और कहाँ, सोखड़ा स्वामी जी बुला रहे हैं। राम राम रणछोड़ जी। जय स्वामी नारायण।
आप जैसे बड़े व्यापारी आज हमारी छोटी सी दुकान पर। मैं तो अपने अमरीश मित्र भगत जी से मिलने आया हूँ, कहाँ चले गए? वहीं सोखड़ा, और कहाँ, हफ्ते में 4 दिन तो सत्संग की सेवा में रहते हैं। और घर में 8 जन हैं खाने वाले, पता नहीं घर बार कैसे चलता होगा। चलो मैं चलता हूँ। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण, आते रहना। हमारे भक्तों के परिवारों में आत्मीयता बनी रहे उसके लिए भगत जी तुम परिश्रम करना और उनसे मिलते रहना और उनके सुख दुख के भागी बनना। जी स्वामी जी। रणछोड़ जी आप आइए आइए आइए। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। स्वामी जी, स्वामी जी, आज मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हाँ हाँ कहिए। स्वामी जी, ये भगत जी हफ्ते में 4 दिन आपकी और सत्संग की सेवा में लगे रहते हैं और उनकी दुकान बंद रहती है एवं कमाई का दूसरा कोई साधन भी नहीं है। स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भगत जी की दुकान संभालूं, उससे जो भी आमदनी होगी वो मैं भगत जी को दे दूंगा ताकि वो निश्चिंतता से सत्संग की सेवा कर सके और उनके परिवार को कोई तकलीफ भी ना हो। स्वामी जी, यदि रणछोड़ जी आमदनी में से अपने हिस्से का कुछ भाग अपने पास रखे तो ही मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। आत्मीयता में बंटवारा नहीं होता। फिर भी अगर भगत जी आपकी इच्छा हो तो रणछोड़ जी को उनका हिस्सा दे देना। स्वामी जी, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा स्वामी जी, मैं चलता हूं। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। रणछोड़ जी हिडन मैन, सत्संग में छुपे रहकर सेवा तो कोई कोई ही कर सकता है। रणछोड़ जी ऐसे ही भक्त हैं। अरे रणछोड़ जी, ये थोक बंद सब्जी के व्यापारी इस तरह से ऊपर? हमारे स्वामी जी ने हमें भक्त की भक्ति करना सिखाया है। स्वामी जी की आत्मीयता का यह संदेश हमारे परिवारों में हमेशा जीवंत रहेगा, समझे? प्रीतेश, आज हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हारी देखभाल के लिए संजना है घर पर। संजना, संजना इधर आओ। यस डैड। संजना देखो, हम लोग बाहर जा रहे हैं इसलिए आज प्रीतेश की देखभाल तुम्हें करनी है। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे स्वामी जी का युवक है, समझी तुम? ओके डैड, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। Now you all move, please. Okay, dear. We are going. Sanjana, take care. Okay. Bye, dear. Bye. Jai Swami Narayan. Jai Swami Narayan. Bye, bye. Hi Pratish, do you like this music? Okay, good. Pratish, do you want to drink? Have a drink. No, thank you. You're so handsome, Pratish. Thank you. Will you dance with me? नहीं, मुझे डांस नहीं आता। Oh, come on, Pratish. मैं तुम्हें सिखाऊंगी। देखो ये हाथ यहाँ रखो कंधे पर और ये कमर पर, ऐसे।
Do you know, Pratesh? I love you so much. Will you marry me? Marriage? नहीं नहीं, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं. Oh, come on, Pratesh. Don't be silly. Let's enjoy the life. Enjoy the life? I'm enjoying my life. Oh, stupid. If you like me and I like you, then what's wrong with enjoying our lives? Oh, come on. I will wait for you in my bedroom, okay? Okay, Sanjana. मैं आ रहा हूँ. स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 18 साल से स्वामी जी आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं और आज मैं नहीं नहीं ये मैं क्या कर रहा था अगर मैं ऐसा करता तो स्वामी जी के हृदय को कितना दर्द होता स्वामी जी तो निष्काम धर्म और निर्माण धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं और मैं उनका ही एक बेटा हूं तो क्या मुझे भ्रष्ट होने का अधिकार है हे स्वामी जी आप पवित्र हो निष्कामी हो भगवान के स्वरूप हो आप भले ही इंडिया में हो परंतु आप मेरे अंतर में विराजमान हो आप मुझे बल दो हिम्मत दो कि मेरी देह आज भ्रष्ट ना हो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण प्रितेश तुम ये क्या कर रहे हो मैं तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही थी संजना इधर बैठो मैं स्वामी जी से प्रार्थना कर रहा था हमारे स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि आत्मा को शुद्ध रखने के लिए इंद्रियों का आहार विहार संतुलित रखना अनिवार्य है हमारे स्वामी जी प्रकृति पुरुष के राग से परे हैं और हम उनके बेटे हैं अगर बेटा ही ऐसा कृत्य करेगा तो एक बाप के दिल को कितना दर्द होगा मैं अपने बाप की आंखों में अश्रु नहीं देख सकता उन्हें राजी करने के लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर सकता हूं संजना आई एम सॉरी अगर आज मेरे सामने आप नहीं होते तो मेरा स्वधर्म भी भ्रष्ट हो गया होता मुझे सही राह दिखाने के लिए थैंक्स संजना मैं जो बोलूं वो तुम बोलोगी हाँ जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वधर्म है हरि का प्राण स्वधर्मी युवा हरि की शान कहते हैं श्री गुरु हरि स्वधर्मी युवा मेरी पहचान कृपा करो मुझ परे सुख निधि सहजानंद गुण तमारा काब पापा मैं जा रहा हूँ मुझे एक जरूरी काम है राकेश बेटा इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो ये लो आरती मम्मी आज मैं एक ऐसे काम से जा रहा हूँ जिसके बाद हमें पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी ऐसे कौन से जादू की छड़ी तेरे हाथ लग गई है इंदिरा गांधी वाले कुछ सिक्के और 5 हिरण की छाप वाली नोट इतनी चीजें लेकर मैं एक तांत्रिक के पास जा रहा हूँ जो मुझे 10 गुना करके देंगे लेकिन बेटा हम ऐसे मलिन पैसों का क्या करेंगे ये तो हमारा धर्म नहीं है नहीं मम्मी मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता मैं चलता हूँ बेटा राकेश बेटा बेटा सुनो तो राकेश राकेश आप इसे रोकते क्यों नहीं तुम पूरे दिन स्वामीनारायण करती रहती हो तो तुम नहीं रोक सकती लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना तुम्हें तो बच्चे पर विश्वास ही नहीं है मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है लगता है
लगता है आज कुछ अनर्थ होने वाला है। हे महाराज, हे स्वामी जी, मैं तो राकेश के देह की माँ हूं, मगर आप तो उसकी आत्मा के स्वामी हो। मैंने तो अपना बेटा आपको सौंप दिया है, अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है। तांत्रिक के मलिन पैसों से हमारा घर अपवित्र हो जाएगा और मेरे 20 साल के सत्संग पर दाग लग जाएगा स्वामी, दाग लग जाएगा। हे स्वामी जी, यदि आप श्री जी महाराज के प्रकट स्वरूप हो तो मेरे बेटे की गाड़ी मुंबई से बाहर नहीं जानी चाहिए और 2 बजे से पहले पहले वो सही सलामत घर पर पहुंच जाना चाहिए। बस स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। हमें यहाँ क्यों उतारा गया? कहीं टायर तो पंक्चर नहीं हुआ ना? अरे हमें तो अपना काम निपटाकर जल्दी घर पहुंचना है। मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। ए, ए तुम, चल इधर आ, इधर आ। मैं? हाँ हाँ राकेश, तुम्हें बुला रहे, जाओ। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे लिए हमदर्दी हो रही है। गाड़ी के नीचे तुमने देखा क्या रखा है? क्या है? तलवार और भाले रखे हैं। हैं? वो तांत्रिक अपनी साधना के लिए तुम सबकी बलि चढ़ाना चाहता है। उसके लालच में मत आओ। जाओ, चलो जाओ यहां से और पीछे मुड़कर कभी मत देखना, समझे? ओ माय गॉड, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं जा रहा हूं। राकेश ठहरो, राकेश ठहरो, ठहरो राकेश, हम भी आते हैं तुम्हारे साथ। ठहरो, ठहरो, ठहरो राकेश, ठहरो। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। बेटा, बेटा आ गया तू, आ गया। तुझे तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? स्वामी जी की कृपा हो गई। मम्मी, तुम भजन कर रही थी ना? आज तुम्हारे भजन की वजह से ही मैं और मेरे दोस्त मरते मरते बच गए। बेटा, स्वामी जी का सुरक्षा कवच जो तेरे साथ था, स्वामी जी ने ही तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें नया जीवन दान दिया है। आओ आओ बेटा आओ, स्वामी जी से आशीर्वाद लो। कर्म माया क्या अहित करे, क्या बने काल भक्षक। भक्त प्रारब्ध से क्या डरे, नियंता जिनका रक्षक। जिनका रक्षक। इस प्रकार गुरु हरि स्वामी श्री अपनी दिव्य प्रभुता और साधुता से सभी भक्तों का आध्यात्मिक जतन निरंतर करते रहे हैं और साकार ब्रह्म समान योगी जी महाराज के आध्यात्मिक वारिस होने का विरुद्ध सार्थक करते रहे हैं। देश विदेश में योगी जी महाराज के संप सुहृद भाव
और एकता का संदेश जो आज के युग में सुखी होने के लिए अनिवार्य है, उसे व्यापक कर रहे हैं। स्वामी श्री की इस प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति और पराभक्ति को कोटि कोटि वंदन है। अरे स्वामी जी को डोरबेल देना तो भूल ही गया, मैं दे आता हूं। स्वामी जी आराम नहीं करना है। सूरत, मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा था। मेरे स्वाध्याय में मैं बापा से प्रार्थना कर रहा था कि हे बापा, आज मुझसे आपके भक्तों की सेवा आपके भाव से, दास भाव से तो हुई है ना? आज किसी का ऋण चुकाना बाकी तो नहीं रह गया? किसी भक्त की पुकार का जवाब देना बाकी तो नहीं रहा? बस मैं बापा से यही प्रार्थना कर रहा था। सर्वभूता